हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे फूल खिलने के बाद मुरझा जाते हैं, ऐसा क्यों होता है और उसको हम कैसे ठीक रख सकते हैं। तो ये टेक्सास प्लांट है, इस पर एक वीडियो हम पहले ही शेयर कर चुके हैं। इसकी रिपोर्टिंग पर भी वीडियो शेयर की थी और इसकी फ्लावरिंग पर भी वीडियो शेयर की थी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। टेक्सास प्लांट को भी आप कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी क्वेरीज आती हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमसे पूछा गया है कि क्या इनकी कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। तो आपको ये प्लांट कहीं भी दिखाई दे तो आप इसकी कम से कम 6 से 9 इंच बड़ी कटिंग कर इजीली ग्रो कर सकते हैं। और एक कमेंट यह आया था कि क्या इसकी हम जो हेज होती है वो बना सकते हैं, यानी हेज की तरह ग्रो कर सकते हैं जैसे बाउंड्री पर। तो हाँ जी, आप इसकी हेज भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको टाइम टू टाइम प्लांट को प्रून करना होगा, ट्रिम करना होगा। बाकी बहुत तेज़ गर्मी में इसको ट्रिम ना करें और ना ही बहुत सर्दियों में करें। कोशिश करें तो स्प्रिंग सीज़न में और रेनी सीज़न में ही इसको ट्रिम करें। तो ये हमारा जो मेन प्लांट है, मदर प्लांट है, तो इसके ये फ्लावर्स मुरझा जाते थे। जैसे सुबह को खिलते थे लेकिन शाम तक भी नहीं बल्कि दोपहर तक आते आते ये मुरझा जाते थे। तो ये जो प्लांट है आपको इसको थोड़ा शेडी एरिया में रखना है, यानी कि ऐसी जगह पर रखना है जहाँ दोपहर की तेज़ धूप से इसको बचाया जा सके। तो जो आप इसके साइड में एक प्लांट देखेंगे, वो प्लांट हमने आपसे शेयर किया था जब हम लेकर आए थे, तो वो किसी और का प्लांट है। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें फ्लावर्स जो हैं इस समय तक बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे से खिले हुए हैं और मुरझाए भी नहीं हैं, जबकि जो हमारा प्लांट है उसमें मुरझाए हुए फ्लावर्स हैं। तो ये हमने ऐसी जगह पर रखा जहाँ इसको सुबह या शाम की सनलाइट मिलती है, तो दोपहर की तेज़ धूप से इसको हमने बचा कर रखा हुआ है। इसीलिए आप इसके फ्लावर्स देखेंगे बिल्कुल फ्रेश दिखाई देंगे। तो इस प्लांट पे या कोई भी प्लांट है जो दोपहर तक आते आते उसके फूल मुरझा जाते हैं, तो उसको दोपहर की तेज़ धूप से आप बचा कर रखिए, तो आपके जो फ्लावर्स हैं वो फ्रेश रहेंगे और पूरा शाम तक वो अच्छे से खिले रहेंगे। तो ये देखिए, अब हमारा जो ये प्लांट है इसको हमने ऐसी जगह शिफ्ट किया जहाँ दोपहर से तेज़ धूप से इसको बचाया जा सके। तो अब आप देख सकते हैं शाम होने को आई है, लगभग 7 बजे हुए हैं और आप देख सकते हैं शाम को 7 बजे भी इसके जो फ्लावर्स हैं वो एकदम फ्रेश हैं, एक भी फ्लावर मुरझाया हुआ नहीं है। तो यही जानकारी आपसे शेयर करनी थी। अलामांडा प्लांट है या टिकोमा प्लांट पर भी ऐसा होता है, जो येलो बेल्स वाला प्लांट होता है, अगर दोपहर की तेज़ धूप उन पर पड़ती है वो सभी मुरझा जाते हैं, तो देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शाम तक वो फूल सारे बेकार हो जाते हैं दोपहर तक आते आते। रेनी सीज़न चल रहा है, काफ़ी कमेंट्स कटिंग्स ग्रो करने पे आ रहे हैं। तो आप कोई भी कटिंग्स अगर ग्रो करना चाहते हैं तो उनको आप 6 से 9 इंच बड़ी कटिंग लीजिए और पेंसिल जितनी मोटी कटिंग होनी चाहिए, और थोड़ी सी पतली भी होगी तो भी वो ग्रोथ कर जाएगी। ये बिल्कुल सही समय है, आप किसी भी पॉट में लगाकर छोड़ दीजिए, वो अपने आप ग्रोथ कर लेगी और जब उसमें रूट्स बन जाएँ तो आप उसको फिर से अक्टूबर तक उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। काफ़ी कमेंट्स ये आते हैं कि जो कटिंग्स हमने ग्रो की हैं उनमें रूट्स कब तक बन जाएंगी। तो ये कटिंग पर डिपेंड करता है आपने कौन से सीज़न में लगाई है और कौन सी कटिंग ग्रो की है। जैसे कि हिबिस्कस है तो उसमें रूट्स बनने में कम से कम 30 डेज लगते हैं, और अगर आपको उसको ट्रांसप्लांट करना है तो कम से कम आप 2 महीने का वेट कीजिए। जब तक उसमें अच्छी रूट्स ना बन जाए तब तक उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और जब भी आप उसको कोई नया पॉट दें तो उसको आप 2 से 3 दिन धूप में ना रखें, कुछ दिन छाया में रखें, वो अपने आप ही सेट हो जाएगा। फिर 2 से 3 दिन बाद आप उसको सेमी शेड में रख सकते हैं। तो ये वही प्लांट है जो कि जामुन की तरह हमने बताया था, जब जामुन का फ्रूटिंग ख़त्म होती है तब इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। लगभग देखिए जुलाई ख़त्म होने को है तो अब इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है। तो ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, टेस्ट बिल्कुल जामुन के जैसा ही होता है। अगर आप इनको ग्रो करना चाहते हैं तो ये आपको कहीं लगे दिखाई दे तो वहाँ से आप इनका फ्रूट लेकर आइए, और से भी ये बहुत आसानी से प्लांट तैयार हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।